काफ़ी लोग अपने जीवन में शत्रुओं से इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि शत्रु उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। शत्रु तो परेशान करते ही हैं, इसी के साथ उनके जीवन में धन की समस्याएं भी इतनी सारी होती हैं कि वे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन उनकी धन की समस्याएं मिटने का नाम ही नहीं लेती हैं। और जब भी शत्रुओं की समस्याएँ हो जाएँ, धन की समस्याएँ हो जाएँ, तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी बिल्कुल नरक जैसी ही हो जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खास टोटके के बारे में बताएंगे जो कि तंत्र से जुड़ा हुआ टोटका है। और जो कोई भी व्यक्ति इस टोटके को बिल्कुल सही से करता है तो उसके जीवन में, अगर शत्रु उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, उसके जीवन में धन की समस्याएँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो ये संपूर्ण चीज़ें उसके जीवन से बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं। लेकिन करना किस प्रकार है, इसकी विधि को सही से जानना और समझना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसी खास होती हैं जो कि बड़े ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं, खास करके स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर उन्हें देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी तो होती ही हैं। जैसे कि इलायची होती है, लौंग होती है, काली मिर्च होती है, इनकी एक अलग अलग तासीर होती है और अलग अलग ही इनके फायदे होते हैं। शरीर में इनका कार्य बहुत ही ज़्यादा खास तरीके से होता है, ठीक इसी प्रकार जैसे कि इनमें बहुत ही अलग अलग गंध होती है, स्मेल होती है इनकी, तो इसी प्रकार अलग अलग चीज़ें जो स्मेल जिनकी अलग होती है उन्हें खास उपाय में, तंत्र प्रयोग में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप किसी अच्छी स्मेल को सूंघते हैं, आपको सूंघने को मिलती है, तो ऐसे में तुरंत ही आपका जो दिमाग है वो अच्छा फील करने लग जाता है। और तंत्र प्रयोग बिल्कुल इसी प्रकार कार्य करते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी गंदी स्मेल को सूंघते हैं तो उसी समय बिल्कुल सारा मूड बिगड़ जाता है, ऑफ हो जाता है, तुरंत दुख और कष्ट की समस्या, परेशानी दिमाग में घेरने लग जाती है। और इस चीज़ को प्रैक्टिकल बिल्कुल आप करके भी देख सकते हैं। इसीलिए पूजा करते समय हमेशा ये बताया जाता है कि इत्र का इस्तेमाल, अगरबत्ती का इस्तेमाल, सुगंध का इस्तेमाल, फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जितने संपूर्ण 7 चक्र आपके शरीर में वास करते हैं उन पर पड़ता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो में बिल्कुल विस्तार से सारी चीज़ों को बताते हैं जिससे आप नई नई चीज़ों को सीख सकें। इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर मिला करे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में शत्रुओं की बहुत ही ज़्यादा समस्याएँ होती हैं तो आपको केवल इतना करना है कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 9 है, 8 है, 5 है, तो उतने ही मेथी के दाने आपको लेने हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि डेट 22 तारीख है, तो 2+2 यानी कि 4 दाने आपको लेने हैं। और इसी प्रकार अगर 29 है तो 2+9 कितना होता है ये आप देख लें। इस प्रकार 11 होता है तो 1+1 आपको कर देना है, यानी कि सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जैसे कि 29 तारीख को अगर प्लस किया जाए तो 11 होता है, और 1+1 कर दिया जाए तो ये 2 होता है। तो इतने ही मेथी के दाने, जो आपकी तारीख है, जन्म की तारीख है, उसी के अनुसार आपको मेथी के दाने लेने हैं। और इन मेथी के दानों को किसी भी मिट्टी के पात्र में, छोटा सा मिट्टी का पात्र आपको लेना है, जैसे कुलिया होती है, दिया होता है, उसमें पानी भर के ढक के आपको रख देना है। और इसे बिल्कुल ऐसी जगह पर रखना है कि जैसे आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, सीधे हाथ की ओर आपको ये चीज़ को रखना है और सो जाना है। और अगले दिन इसमें से मेथी के दाने निकाल कर आपको इन्हें धूप में सुखा कर किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाकर कपूर की सहायता से इन्हें जलाकर बिल्कुल राख कर देना है। और इनकी राख को आपको मिट्टी में, यानी कि पीपल की जड़ में डाल देना है। बस इतना ही कार्य आपको करना है। जैसे ही इस चीज़ को आप कर लेते हैं, तुरंत सारे शत्रु आपके बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं। इसी प्रयोग को करने से तुरंत जो मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज होती है वह तुरंत खुल जाती है, और जिससे धन का आकर्षण निश्चित ही होने लग जाता है। क्योंकि जैसे ही आप इस चीज़ को करेंगे, पीपल पेड़ के पास जाकर करेंगे, तो पीपल पेड़ का जो प्रभाव है वो आप पर पड़ने लग जाता है। तो इसी प्रकार बिल्कुल ठीक जैसे हमने आपको बताया है, उसी प्रकार ये खास प्रयोग को करना है। और इस प्रयोग को आप स्वयं करके देखें, आप खुद ही देखेंगे कि आपको जो शत्रु परेशान करते हैं वो बिल्कुल आपको परेशान करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। और अगर आपको परेशान करने की कोशिश भी करते हैं तो जैसे ही आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो खुद ही परेशान होने लग जाएंगे। तो अवश्य इस खास चीज़ को करें। सबसे ज़्यादा मेन बात जो है वो, आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं, कल से कर सकते हैं, और किसी भी दिन किया जा सकता है। बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मेथी के दाने हैं वह आपको सूरज ढलने से पहले ही पीपल वृक्ष के पास जाकर जलाने हैं। और ख़ास करके रविवार के दिन पीपल वृक्ष के पास नहीं जाना है, बाकी किसी भी दिनों पर आप जाकर इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं।
इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो को अवश्य दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे सभी लोगों की सहायता हो सके और आपके गुड कर्मास बढ़ सके, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों की सहायता होती है और आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।